ये दोबारा बंद कर दिया हमने, पानी हमारा चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं जी बिस्मिल्लाह। ये बटन था इसका जिसका हमने कनेक्शन निकाला हुआ था, बिस्मिल्लाह से चल। ये देखें ये पंखा सिर्फ इसके प्रेशर की वजह से चल रहा है, यहाँ से अब हवा आ रही है इसकी। करंट, ये करंट कितना लेती है, इसके अंदर यूज़ क्या हो रहा है जी? सिर्फ ये एक, ये देखें ये प्रेशर की वजह से दोबारा खुल रहा है। इसको इसके अंदर सामान नीचे जाकर उतारते हैं, कुछ चीज़ें निकल है बीच में से। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जी। क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह हो गया है, सफाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। आजकल सब सफाइयाँ ही चल रही हैं क्योंकि ईद को रह गए हैं थोड़े दिन, उधर ईद के बाद शादी है उसको भी रह गए हैं थोड़े दिन। यानी कि बस आज तो खैर मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है, आज का दिन काम है। इसके बाद अगले 3 दिन तो रेस्ट मारूँगा, उसके बाद फिर काम 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 काम, बहुत सारे काम है, सारे काम आपको दिखाऊँगा। ये पूरा महीना क्या मेरे ख्याल में, हाँ आगे बस काम के काम ही रहना है। आज रोज़ा नहीं रख हुआ क्योंकि सुबह उठा ही नहीं है, रात भी काम करके थके हुए थे, सुबह उठाए नहीं किसी ने, अम्मी वाले भी लेट ही हुए थे, इसलिए बस मैं नाश्ता वगैरह कर रहा था अभी उठा था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो आज अपना करना है जी अपना एसी को स्टार्ट। कौन सा वाला एसी? ये वाला एसी जो है ना हमारा, ये जो ग्रिल लगी हुई देख रहे हैं, इसको स्टार्ट करना है हमें। तो बस नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ये पंगा है क्या, ये हमारा एसी काम किस तरह से करता है, सारा कुछ आपको दिखाता भी हूँ। इसको साफ भी करना है, इसको स्टार्ट भी करना है, सारा कुछ शेयर करते हैं। ये पंगे बस थोड़ी सी चाय रह गई है मेरी, ये पी लूँ फिर स्टार्ट करता है इसको जी। हमने कवर किया था गर्मियों में, ये शॉपर लगा दिया था वरना सारा साल इसके अंदर मट्टी जाती रहनी थी। शॉपर लगा कर इसको अच्छे से बंद कर दिया था ताकि इसके अंदर मट्टी ना जाए। ये भी अंदर वाले ही जगह पे लगा हुआ था क्योंकि अंदर वाली जगह जो सी है ये है, ये देखिए अंदर से इस तरह से दिखता है ये कूलिंग पैड। लेकिन पहला काम ये है कि इसको अभी उतारना है शॉपर को, इसके अंदर अच्छे से हवा मारनी है ताकि जो सी मट्टी है वो निकल जाए। करते हैं बस स्टार्ट। ये जी इसको खोलना है पहले नंबर पर, तो ये बांधा हुआ है इसको। जाओ कैंची लेके आओ मम्मा से, जाओ मम्मा से कैंची लेके आओ, जाओ काम करवाओ ना साथ आप भी। इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें। नो 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 की कुछ लगती, जाओ मम्मा से कैंची लेके आओ। चलो 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 इसको काटेंगे, देखो हैप्पी बर्थडे टूटू करें तो उतार ले। किदा नु सारी लाई इथे लाने वास्ते दितियां है। हैप्पी बर्थडे टू ख्याल से। हमारा कूलर ए सी आ गया, सॉरी कूलर नहीं है। ये पता नहीं क्या लगता था, छापा लगाया हुआ था अभी फिर भी। अभी साइड पर अभी चलो इस साइड पे नहीं आना आप, गर्मी देख लो आप कितनी है। तो पंखे भी गर्म हवा ऐसे मुंह पे मारते हैं ना। एक काम करो, 20 में से 36 काम निकल आते हैं।
ये भी सामान निकला हुआ है। अब इसके नीचे रखनी है पानी वाली टंकी, ड्रमी, जो भी कह लो। अब वो रखी हुई है जी मैंने वहाँ पे, वो ऊपर स्टोर पे। अब उसको निकालना पड़ेगा, वो निकालता हूँ, वो लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये इसका सिस्टम है क्या, ये काम किस तरह से करता है। कर देते एक मिनट, ये चुटकियाँ थी नीचे तार वाली, इसको लगा लूँ। असल में इसको ना जब हमारी सर्दियाँ आ गई थी तो बंद कर दिया था, ये सारा शॉपर वगैरह लगा के बंद किया था। अगर ये ना लगाया होता तो इसके अंदर तो मिट्टी चली जानी, सारे इसके सुराख हो जाने थे जी बंद। पंखा भी बंद कर दिया था ये, इसके ये भी बंद कर दिया था शॉपर लगा के, जो इसकी पानी वाली टंकी है वो भी उतार के वहाँ पर रख दी थी। अब उसको निकालना है, अब हर काम के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, वहाँ पर चढ़ना पड़ेगा। वो सामने पड़ी रखे वो ब्लू वाली जो है ना, ये बैग के पीछे, अब इसको उतारना है। ये देखें जी, ये है हमारी ड्रमी, इसके अंदर सामान नीचे जा कर उतारते हैं, कुछ चीज़ें निकल है बीच में से। अच्छा जी, इसके अंदर है हमारा पहले नंबर पे पाइप, ये है हमारी पानी वाली ड्रमी, इसके अंदर पानी स्टोर होता है ऑटोमेटिकली, खुद ही आता है, खुद ही हमें भरना नहीं पड़ता, और इसके अंदर से ऊपर चला जाता है। कैसे जाता है, ये इस पंप की मदद से, ये पंप पानी खींचता है ड्रमी के अंदर से, ये ऊपर फेंकता है वहाँ पे, और फिर नीचे आता है, फिर इसके अंदर ये स्विच लग जाता है। अब ये बंद था तो इसका हाल आप देख ही सकते हैं क्या, अल्लाह करे चल जाए, इसको कोई मसला ना आया, वरना फिर ठुक जानी है पैसों की। और ये है हमारा वाटर लेवल जो कि यहाँ पे लगता है अंदर वाली साइड पे करके, इसकी वजह से खुद ही ऑटोमेटिकली पानी भर जाता है, रुक जाता है। ये हमारा हो गया हुआ था ख़राब, 19-20 काम करता है, हरून गया हुआ है बाज़ार, उससे मंगवाया हुआ, वो आता हुआ ले के आएगा, तो इसलिए इसको रखते हैं साइड पर जी, इसको धो के फिट करते हैं। साफ हो गया जी हमारा, पंप डाल दिया अंदर, अब पानी भर के ना पहले चेक कर लेते हैं कि पंप चल रहा है या नहीं चल रहा। बाकी अभी यहाँ से सारी सफाई सफाई तो रहती है, इतनी देर में हरून भी आ जाएगा, इसका पानी वाला लेवल भी सेट कर लेंगे। ये नीचे द्वार का हाल देखें, सारा कलर यहाँ से ख़राब हो गया। अच्छा ये गीला है ना अभी, तो ठंडक ठंडक सी महसूस हो रही है हवा के अंदर ना, यहाँ पास खड़े होने से, क्योंकि यहाँ से हवा की क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ से भी ओपन है, हवा गुजर रही है, इसके अंदर से भी गुजर रही है रूम से, तो ठंडी हवा आ रही है, यही मज़ा है इसका। चलो जी इतना भर गया, इसको बंद करते हैं, इसी के साथ इसका कनेक्शन कर देना ऑटोमेटिक का। अच्छा ये वाला पाइप साइड पे, ये है जी हमारा इसका, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। चल गया, शुक्र है। ये देखें इतने प्रेशर से पानी आ रहा है इसका, यहाँ से खींच रहा है, ये देखें ये लगना है वहाँ पे, ये जोन है ना, ये यहाँ पे लगेगा, ये इतनी हाइट बन जाती है इसकी, तो इसमें प्रेशर से पानी पहुँचाना होता है वहाँ पर। लगाते हैं इसको भी, बस वो इसका पानी वाला लेवल आ जाए फिर ओके हो गया। तो भाई जान शुक्रिया, ये मंगवाया था नया, ये प्लास्टिक का ले आया फिर, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाता है। पित्तल का जो सा है वो महंगा ही पड़ा है, और इसमें चाहिए भी हमें छोटे साइज़ में, क्योंकि हमारे पास जो सी स्पेस है ना वो कम है। इसके अंदर इसने लगना है, फिर इसने ऐसे ओपन भी होना है, तो फिर वो फिक्स नहीं आता जल्दी, इसको लगा के देखते हैं। ये वाला पाइप को ऑन कर दिया, वो वॉल का वो पाइप ये घूम के यहाँ से आ रहा है, और ये इसके साथ कर दिया जी हमने अटैच। अब इसके अंदर से पानी जाता होगा, देखना ये देखना, ओहो ये भर है ऑटोमेटिकली ना खुद ही, जब ये ऊपर हो जाएगा ये देखिए, ये इसके साथ टच होगा ये बंद हो जाएगा, इसलिए हमें बार बार इसको भरने का ना मसला नहीं होगा, बस ये खुद ही लग गया यहाँ पे। अब ये भर जाए फिर मैं आपको नेक्स्ट सिस्टम दिखाता हूँ इसका, देखें अब ये पानी भर गया और ये ऑटोमेटिक इसका खुद ही काम कर रहा है, वो ऊपर को लग गया होगा पानी को, ये देखें अब वो बंद नहीं होगा, यहाँ से भी किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है,
इसका भी मसला हल हो गया। ठीक है, अब ये खुद ही लगा हुआ है, खुद ही पानी कम होगा, फंसेगा। अच्छा, अब ये ऊपर पानी जाके नीचे कैसे आएगा? अब ये बिस्मिल्लाह, ये हमारा पानी चल गया, ये ऊपर पानी जा रहा है, दिखाता है। ये देखें, ये पानी आ रहा है और ये ऊपर छोटे छोटे से सुराख बने हुए हैं, इनके अंदर से पानी नीचे जाएगा, सारा सर्कुलेट करेगा। ये देखें, ये पानी इधर तक पहुँच रहा है, ये ऊपर से बिल्कुल लेवल पर लगा हुआ है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ना पानी पानी की स्पीड कम हो जाती है ऊपर से ऐसे नीचे, नीचे से ऊपर आने में सारा ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा, सारा इनके ना इधर से ऐसे सारा नीचे गुजरेगा, नीचे गुजर के आके फिर ये नीचे इस सुराख से, ये वाला जो सा सुराख है ना, इससे इसके अंदर गिरता रहेगा और ऐसे ही ये सर्कुलेशन चलती रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ये आपकी विंडो बन गई। ये देखें, ये पानी आता हुआ दिख रहा होगा, ये बाकी कुछ कुछ जगह खुश्क है, ये गीला हो रहा है, ये पानी आने लग गया। नहीं बंद होती, ये देखें, ये अंदर से सारा गीला पानी गिरता हुआ दिख रहा होगा, जूम करता हूँ एक मिनट। ये देखें, ये इससे ज़्यादा फील नहीं होता लेकिन इसके अंदर से पानी जा रहा है। अब रह गया जी हमारा ये पंखा सेट करने वाला, ये जो सा पंखा है ये इसके लिए है, इसका कनेक्शन निकाला हुआ था ताकि ये स्विच बाहर लग के चले ना। अब इसका कनेक्शन कर लें, ये पंखा है एसी वाला, आप इसकी जगह दूसरा कूलर वाला पंखा भी लगा सकते हैं। चल आइए, ये एसी वाला पंखा जो एसी के आउटडोर में लगा होता है, इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका शोर नहीं है। आप जो कूलर के अंदर पंखा लगता है वो भी लगा सकते हैं, उसका ये है कि शोर ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी थ्रो हवा ज़्यादा है क्योंकि आप इसके पंखों का कर्व देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, तो ये इसका शोर नहीं होता है। कनेक्शन कर लें, अभी आगे से वो शीट लगाई हुई है वो भी उतारनी है उस रूम में जाके, तो फिर इसको चला के दिखाते हैं। ये अब ये देखें, अब पूरे रूम में ना ये एक विंडो थी और ये दरवाज़ा था, उसके अलावा ना कोई रोशनदान है, कुछ भी नहीं है, एक ये पंखा ही है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो सा दरवाज़ा है इसको कर देंगे जी बंद, इसको बंद कर देंगे, इसको चला देंगे, ये पंखा उस तरफ उस रूम में हवा फेंकेगा, इस तरफ नहीं है, ये एग्जॉस्ट फैन का काम करेगा। अब इसने हवा खींचनी है, जाहिर सी बात है चलेगा। अब सारी जगह बंद है, सिर्फ ये वाला ओपन जोन सा एरिया है, इसके अंदर से ये हवा को ना सक करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ से खींचेगा और उस रूम में फेंक देगा, खींची जाएगा फेंकी जाएगा, वो जो खींचने का अमल होगा ना उसके अंदर यहाँ से ठंडी हवा आएगी जो ये पूरे रूम को ना कवर करेगी, ठंडा हवा सारी ठंडी कर देगी। हमें ये वाला ऊपर वाला पंखा भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती साथ, क्योंकि अभी तो ये सीज़न स्टार्ट है, एंड में जाके जब एंड गर्मी होती है तब पंखा चलाते हैं, वरना नहीं, ये सारा यहाँ से ठंडा करेगा। कनेक्शन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ कि हवा कैसे खींचता है। अभी हमारी यहाँ पे विंडो तो नहीं लगी हुई, इसलिए हम इसको आधा बंद भी कर देंगे ताकि ना प्रेशर के साथ हवा आए। अभी खोल देते हैं, अभी यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, ये ना उठ के बैठ जाए, ये देखें, ये जो उनसे विंडो है ना इससे हवा आएगी, उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, ये वाशरूम से हवा निकल सकती है, वरना यहाँ पे भी आप देखो ये विंडो लगी हुई है वाशरूम, इसका दरवाज़ा खोल के हम इस दरवाजे को बंद कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये दरवाज़ा खुलेगा ऐसे, हवा यहाँ से सर्कुलेट होगी। बल्कि मैं सफ़र करते हैं, पहले इसको चला लें फिर समझाता हूँ। इसकी ग्रिल उतार दी है, अभी वो साफ़ करनी है, अब इसको चलाते हैं। अगर ये ऐसे होता है नॉर्मली, ग्रिल हमने लगाई है खूबसूरती के लिए, ताकि ये ऐसे तो बुरा लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा, तो उससे बुरा नहीं लगेगा, आप जो मर्ज़ी ग्रिल लगा सकते हैं। ये दरवाज़ा बंद कर दिया हमने, पानी हमारा चल रहा है, अब हम पढ़ते हैं जी बिस्मिल्लाह। ये बटन था इसका जिसका हमने कनेक्शन निकाला हुआ था, बिस्मिल्लाह। इतना सा इसका शोर है, वो भी ये दीवार के अंदर लगा हुआ है ना इस वजह से। अब ये यहाँ से हवा खींच रहा है इस टाइम,
ये कैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ जी, कोई चीज़ हो ना जो हिल रही हो, ये देखिए। ये अभी इसके हवा का ना प्रेशर कम है, क्योंकि ये सारा एरिया इसका कवर है, ठीक है, इसलिए ना कम प्रेशर से हवा खींच रहा है, लेकिन यकीन जाने ठंडी हवा खींच रहा है यहाँ से इस टाइम, ठंडी। ये देखो ना आप, ये पैड या कूलिंग पैड, और कई जगह नहीं है जहाँ से ये हवा खींच सकता, सिर्फ यहाँ से खींच रहा है और वहाँ पे ये हवा फेंक रहा है ठंडी। अब आगे का माहौल दिखाता हूँ, जाके मैं खुलेगा नहीं, देखें यहाँ से ये ताज़ा हवा खींच रहा है, यहाँ से ये दरवाज़ा बंद हो गया ताकि ये हवा दोबारा से घूम के इसके पास ना आए, बस ये यहाँ से फ्रेश हवा खींचेगा, अंदर फेंकेगा, वो आगे सर्कुलेट करेगी। कैसे चल रहा है ये देखें, ये पंखा सिर्फ इसके प्रेशर की वजह से चल रहा है, यहाँ से अब हवा आ रही है इसकी, इसके रूम के अंदर सारी, जो सारे को ठंडा करेगी, ये यहाँ पे सारे घूम रही है, ये दरवाज़ा बंद होगा जी हमारा, ये देखें ये चादर हिलती दिख रही है, प्रेशर आ रहा है ना हवा का, ये कंबल तक हिल रहा है देखिए, नहीं हाँ ये कंबल ही हिल रहा है, मुंडा भी हिल रही है बीच में, ये हवा आ रही है। अच्छा अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक हमारा वो रूम जिसके अंदर लगा हुआ है, दूसरा जी हमारा ये रूम हमारा ठंडा हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया जी किचन ठंडा, ये सारी यहाँ से हवा सर्कुलेट होके यहाँ से निकलेगी, यहाँ से सारी घूम के यहाँ से हवा चली जाएगी जी बाहर, सर्कुलेट हो जाएगी, तीन चीज़ें हमारा पूरा कर यहाँ से कवर हो जाएगा, ये वाला एरिया भी सारा कवर। इसको हमने बंद ही रखना है, खोलना नहीं है, ताकि अगर इसको खोलते हैं तो हवा फिर यहाँ से ज़्यादा इजीली बाहर चली जाती है। चलो जी नींद पूरी हो गई। ये हमारा जी सिस्टम है, कूलर माशाल्लाह, ये इतना होता है, अभी आप देखो ये तो खैर इसकी आदत है, अभी हमारी ये कम्बल जाइए हैं जो उनसे ना वापस से बाहर निकल आएंगे, इसकी इतनी ज़्यादा कूलिंग हो। ये जोन सी है, ये हमने ग्रिल बनवाई थी, ये मेरा दोस्त है अली, उसने बना के दी थी, ये मुझे लकड़ी की है, इसको मैंने अभी उतार दिया है, क्योंकि ये देखें कितनी मट्टी है, ये फैशन वो अच्छे लगने के लिए, वरना वो पंखा तो बुरा लग रहा है, अंदर की साइड पे ये है, इसके ये कर्व भी नीचे की तरफ है, जो हवा को ज़्यादा हमारी तरफ नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, यहाँ से उल्टी है, कहाँ से सीधी है, ये ऐसे सीधी है, ये देखें नीचे की तरफ आ जाते हैं ना तो हवा नीचे की तरफ फेंकते हैं, और ये लगी भी प्यारी लगती है, बुरी भी नहीं लगती है, कोई मतलब कि ज़्यादा मसला नहीं। और ये करंट कितना लेती है, इसके अंदर यूज़ क्या हो रहा है जी, सिर्फ ये एक वाटर पंप जो छोटा 12 120 वोल्ट का, पता नहीं कितने का होता है, एक ये है और एक वो जो सा हमारा पंखा है, ये वाला ये पंखा जो सा है, बस इसके अंदर ये दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये हवा जो सा इसके अंदर से खींच रहा है, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ इसके अंदर पानी जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके जो से सीलिंग फैन दो है ना, ये दो चलें और ये एक चले तो एक ही बराबर है, ये दो चलेंगे ये एक चलेगा, इतना करंट खाता है ये। इसकी जगह आप कोई भी जो आपको पंखा सूटेबल है वो आप लगा सकते हैं, ये देखें ऐसे चलता है, ये यूपीएस पे भी चलता है, बहुत अच्छा सिस्टम है, ठंडी हवा आ रही है। अब हमने सिर्फ इसका ना प्रेशर ज़्यादा करना है, वो मैं खैर कर लूँगा, इधर ये देख सकते हैं आप, ये मैंने अभी फिलिंग की है, यहाँ पर पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था, क्योंकि विंडो तो नहीं है, विंडो होती तो चलो उसका एक डोर बंद कर देते तो हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता, लेकिन अब यही है, अब ये देखें अगर मैं इसको खोलता हूँ ना तो वो सारी हवा यहाँ से खींचने लग जाता है, यहाँ से नहीं खींचता, क्योंकि यहाँ से वो आसानी से हवा खींच सकता है, जब हम इसको बंद करते हैं फिर कोई और जगह नहीं बचती, फिर यहाँ से वो खींचता है तो ठंडी हवा आती है, यहाँ से ना अभी प्रेशर से हवा खींच रहा होगा, ये देखें ये प्रेशर की वजह से दोबारा खुल रहा है, इसको कर देंगे बंद और ये हमारा एसी स्टार्ट। तो ये था जी हमारा सिस्टम एसी वाला, अब इसको ऊपर से भी मैं थोड़ा सा वो गत्ता रख के कवर कर दूंगा ताकि मट्टी शट्टी ना इसके अंदर जाए, ये गत्ता मैंने बनाया था एवं रखने के लिए ना, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी ना अंदर जाए, डस्ट ना अंदर जाए, ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, अब ये सारा दिन चलता रहेगा ऐसे ही, ना हमें पानी भरने का रोला कि यार पानी ख़त्म हो गया इसके अंदर या कुछ भी है, चलता है ना इसका ज़्यादा करंट है, दिन रात ये चलेगा, हमारा पूरा घर ठंडा होगा, हमें ज़्यादा पंखे भी चलाने की जरूरत पंखा चलाने की जरूरत ही नहीं होगी, और ये हमारा चलता रहेगा। ये भाजी सारा कौन सा ना सिस्टम है हमारा, अभी इसकी थ्रो में ज़्यादा कर लूँगा वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अभी भी वैसे थ्रो की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट है, तो ये कूलिंग दबा के करेगा जितनी इससे कूलिंग हो सकेगी, क्योंकि ठंड लगती है इसके आगे, ज़्यादा बैठा नहीं जा सकता रात को,
इतनी ये ज़्यादा कूलिंग करता है। बाकी ये बाकी बता दूं बार बार, ये डिपेंड करता है आपके घर की वेंटिलेशन सिस्टम पे। अब जैसे कि मैंने आपको वेंटिलेशन सिस्टम बताया, अगर वो हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वो सारी बात जो है ना घूम के वापस आएगी और ये दोबारा उसको सक करके अंदर फेंक देगा। तो इस तरह से जो सा मसला होता है वो ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हबस टाइप सीन हो जाता है, इसलिए वो दरवाज़ा बंद है। फ्रेश हवा खींचेगा, उधर से बाहर फेंकता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, सस्ता सिस्टम है। वेंटिलेशन अगर आपकी हो जैसे हमारी है एक रूम के लिए तो बेस्ट है ही। हमारा एक दो कमरे और एक किचन जो है, तीन चीज़ें जो है ये कवर कर रहा है, उसको अच्छे तरीके से ठंडा कर रहा है। तो वेंटिलेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वो अगर आपकी बेस्ट है तो फिर आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। हमारा तो खैर ये बेस्ट है, हमारी गर्मियाँ सर्दियों में तो नहीं चलता, गर्मियाँ हमारा ये दबा के चलता है, फुल एसी वाला काम करता है। तो यही सिस्टम था। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो, पूछना चाहते हो इसके बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इंस्टॉल करवाना हो तो वो भी कर सकते हैं। बाकी खैर ख़त्म करते हैं, बाकी खिलाड़ा खिलाड़ समेटते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।